सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो द टेक्निकल ऋतिक चैनल को। सो भाई आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बेस्ट गेमिंग पीसी। सो भाई आज हम सभी पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से पार्ट्स जो है अपने पीसी के लिए यूज करने चाहिए, जिसमें आप नॉर्मली एडिटिंग कर सको एंड अपनी जो है गेम्स खेल सको नॉर्मली ट्रिपल ए टाइटल के, मतलब ट्रिपल ए टाइटल जो कि अभी चल रहे हैं, जितने भी गेम्स चल रहे हैं सारे आप खेल सको, वो भी मीडियम सेटिंग्स पर। तो भाई उसी के लिए हम पीसी बिल्ड देखने वाले हैं कि भाई आपको कौन सा पीसी जो है बिल्ड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड मैं सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बाय करने चाहिए। सो भाई यहाँ पे हम आ गए अपने अमेजोन पे एंड भाई यहाँ पे मैंने कुछ जो है पार्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो उन्हीं को बताने वाला हूँ कि भाई आपको ये पार्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले अपने कार्ट में एंड भाई यहाँ पर देख सकते हो हम लोग अपने कार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर सेव करके रखे हुए हैं, तो सभी कुछ हम बात करने वाले हैं आपको क्या क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो एक पीसी बिल्ड में जो कि ज़रूरत होती है वो होती है एक कैबिनेट की। तो भाई यहाँ पर कैबिनेट आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही दूसरी चाहिए तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर जो कैबिनेट है वो है यहाँ पर फॉक्सन की, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 1100 रुपए की जो कैबिनेट है वो यहाँ पर पड़ जाती है एंड भाई यहाँ पर अच्छी खासी जो है यहाँ पर डिज़ाइन भी हमें देखने को मिल जाती है एंड भाई यहाँ पे ऊपर के साइड में 3.0 का एक पोर्ट, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, हेडफोन पोर्ट, माइक पोर्ट, सभी कुछ हमें देखने को मिल जाता है जो कि आजकल की लेटेस्ट कैबिनेट में आता है। ऊपर के साइड में हमें यहाँ पे पीएसयू देखने को मिलती है, नीचे साइड में नहीं मिलती है, तो आप जो नीचे फैन रहते हैं जिन पीएसयू के आप वो नहीं लगा सकते उसमें। तो भाई यहाँ पे जो कैबिनेट है वो मैंने ये वाली ऐड करके रखी हुई है एंड भाई अभी बात करते हैं जो कि सेकेंड हमें जरूरत पड़ेगी वो है हमारी एसएमपीएस। तो भाई यहाँ पे एसएमपीएस जो है यहाँ पे मैंने जेब्रोनिक्स की ऐड करके रखी हुई है। तो भाई यहाँ पे जेब्रोनिक्स की 450 वॉट की पीएसयू है जो कि भाई बहुत ही अच्छी है, मेरे पास भी ये वाली थी, मैंने बहुत साल यूज़ की। सो भाई आपके जो आप पीसी बनाने वाले उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने ये वाली पावर सप्लाई यूज़ की है एंड भाई यहाँ पर बढ़िया पावर सप्लाई है। तो भाई यहाँ पर जो तीसरे कंपोनेंट के बारे में आ जाते हैं वो है हमारा यहाँ पर मदरबोर्ड। सो भाई यहाँ पर हम मदरबोर्ड देख लें तो भाई यहाँ पर जेब्रोनिक्स का जो है H61 जो कि भाई मैं अपने पीसी में भी यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मेरे में लगा हुआ है एंड भाई यही सेम मदरबोर्ड है बिल्कुल। LG 1155 तक जो है सॉकेट सपोर्ट करता ही है, जिसमें आप आराम से i5, i7, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन लगा सकते हो एंड भाई यहाँ पर जो है आपको 100 Mbps तक की लैन भी सपोर्ट मिल जाए। सो भाई यहाँ पर पोर्ट्स की बात कर ली जाए सो भाई आपको यहाँ पर 6 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं एंड भाई एक HDMI एंड VGA एंड भाई लैन का यहाँ पर और आपके स्पीकर आउट के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और बाकी स्पेक्स के लिए आप यहाँ पर आके देख सकते हो, आपको लिंक दे दूंगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में। तो भाई आप सारी प्रोडक्ट वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कौन कौन से हैं। सो भाई यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो भाई यहाँ पर प्रोसेसर जो है हमने यूज़ किया है यहाँ पे i5 का थर्ड जनरेशन। तो भाई यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने i5 का 3570 जो है प्रोसेसर का यूज़ किया है, जिसमें आपको भाई 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो भाई यहाँ पर हम बात कर लें मेमोरी की, हमने रैम कौन सी यूज़ की है। सो भाई यहाँ पर हमने कंसिस्टेंट की यहाँ पर रैम यूज़ की है जो कि 8GB की DDR3 आती है एंड भाई यहाँ पर 1600 MHz तक जो है सपोर्ट करती है एंड भाई आपको यहाँ पर 3 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत सही रैम है इस प्राइस पॉइंट पर, भाई आपको ये मात्र 750 की देखने को मिल जाती है। सो भाई हमें यहाँ पर 3 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी देखने को मिलती है जो कि भाई बहुत सही है। तो भाई यहाँ पर जो SSD हम यूज़ करने वाले हैं वो है भाई क्रूशियल की BX500 जो कि मेरे में लगी है 256GB इसी की, तो भाई बहुत ही अच्छी चलती है एंड भाई अभी तो बहुत ही कम प्राइस चल रहे हैं इसके, और कम हुए थे बट यहाँ पर अभी आज की डेट में ये थोड़े से बढ़ गए हैं। तो भाई यहाँ पर जो इसकी स्पीड है भाई वो 550 MB/s तक की सपोर्ट करती है एंड भाई बहुत ही अच्छी SSD है, ये साटा में आपको देखने को मिलती है। तो भाई यहाँ पे CPU कूलर की बात कर लें तो भाई आप ये वाला ले सकते हो यहाँ से CPU कूलर, नहीं तो आप ऑफलाइन मार्केट से भी जाके ले सकते हो, बाकी ये आपके LG जो आपका मदरबोर्ड है उसके साथ सपोर्ट कर जाएगा प्रोसेसर के साथ भी। तो भाई ये बहुत ही अच्छा CPU कूलर है, आप ले सकते हो इजीली, नहीं तो आपके साथ अगर आपके पास इंटेल का कोई आप पहले प्रोसेसर यूज़ करते थे तो उसका भी आप फैन लगा सकते हो, नहीं तो भाई यहाँ पर आपको बहुत सारी जो चॉइस हैं और भी देखने को मिल जाती है CPU कूलर की, अगर आपका जैसा बजट है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। बाकी हम यहाँ पर ये वाला ऐड कर लेते हैं ठीक है। सो भाई अभी आ जाते हैं अपने मेन कंपोनेंट की तरफ जो कि भाई आपकी जो गेमिंग है एडिटिंग है उसको यहाँ पर अच्छा खासा बूस्ट देने वाला है। तो भाई यहाँ पे हम जो GPU यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं Zotac की तरफ से आने वाला GT1030 ठीक है, जो कि आपको DDR5 2GB देखने को मिल जाता है, मीडियम गेमिंग करा देगा एंड भाई 720 में आप इससे 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। सो भाई यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिए, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारी जो कैबिनेट है वो ये है एंड भाई यहाँ पर SMPS जेब्रोनिक्स की यूज़ की हमने, यहाँ पर मदरबोर्ड जेब्रोनिक्स का। तो भाई यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं i5 3570 जो कि बढ़िया है यहाँ पर ठीक है एंड यहाँ पर भाई फैन की बात कर लें तो ये वाला हमने फैन यूज़ किया, आप ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो एंड भाई यहाँ पर रैम जो है बहुत ही सस्ती है, यहाँ पर 750 रुपीज़ की 8GB की रैम है एंड भाई ग्राफिक्स कार्ड एंड यहाँ पर SSD। तो भाई चलो अब इसके बेंचमार्क भी देख लेते हैं कि भाई जो ये प्रोसेसर है एंड ग्राफिक्स कार्ड है इसके साथ में आपको कितने FPS जो है गेम्स में देखने को मिलेंगे।
bitch. Man, I don't like this shit. One thing. Hey, get cover over there by the truck. Follow me. Let's get through this. Man, what's a few more of these motherfuckers? I'm gonna look for some transport. That clown D, that OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more game. Enemy spotted. Last player standing. One enemy remaining. तो भाई देखा आप लोगों ने यहाँ पर जो जितने भी गेम्स थे ट्रिपल ए टाइटल के भी वो मस्त चले यहाँ पर। एंड भाई आप ये वाला पीसी बना सकते हो। एंड भाई यहाँ पर टोटल इसके प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर ऑनलाइन में तो यहाँ पर 16,500-17,000 आपका निकल करके आ जाता है। सो भाई ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है पीसी बिल्ड की वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेटा डा, बाय बाय, टेक केयर।